नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम BHU BEd ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इंट्रेंस 2017 का सॉल्व पेपर देखेंगे। अन्य वर्ष के पेपर भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और समय 2.5 घंटे है और पूर्णांक 300 है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है और गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। खंड अ का पहला प्रश्न है, एक छात्र अपने अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है और उसका अध्यापक उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे यह कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर मंत्रणा के बाद देगा। प्रश्न 2 है, एक अध्यापक के लिए क्या सत्य नहीं है? अध्यापक अपनी कक्षा का अधिनायक होता है, यह अध्यापक के लिए सत्य नहीं है। तीसरा प्रश्न है, जब अधिकांश बच्चे कक्षा में बेचैन, अशांत और अवज्ञाकारी हों तो अध्यापक को इनमें से जांचना चाहिए विषय ज्ञान तथा अध्यापन विधि को। प्रश्न 4 है, सत्तावादी शिक्षण व्यवहार निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? अनुशासन के लिए उपयुक्त है। प्रश्न 5, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों में निहित क्षमताओं का विकास करना। प्रश्न 6, अनुशासन का तात्पर्य है नियमों के अनुसार। प्रश्न 7 है, मोहन कक्षा 4 का एक छात्र है जो दृष्टिबाधित है, उसे श्रव्य सीडी की सहायता मिलनी चाहिए तथा सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रश्न 8 है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण के लिए जरूरी है कि छात्रों की समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। प्रश्न 9 है, निम्न में से कौन सा गुण प्रेरित शिक्षक का होता है? इसका ऑप्शन 2 से यह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। प्रश्न 10 है, बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति है सकारात्मक पुनर्बलन पद्धति। प्रश्न 11 है, भारतीय संसद ने किस वर्ष RCI अधिनियम बनाया? इसका ऑप्शन 2 सही है, 1992 में RCI अधिनियम बना। प्रश्न 12 है, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी गई हैं अनुच्छेद 350A में। प्रश्न 53 है, सुगम्य भारत अभियान का संबंध है दिव्यांगों से। प्रश्न 14, निम्न में से क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य नहीं है? इसका ऑप्शन 2 होगा, बालिकाओं में नौकरी के अवसर सुनिश्चित करना, यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न 15 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी राममूर्ति कमेटी द्वारा। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव के निषेध का संबंध है? इसका ऑप्शन 2 सही है, अनुच्छेद 15 में। प्रश्न 17 है, शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है शिक्षा का दर्शन। प्रश्न 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन 4, उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करना, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। प्रश्न 19 है, NIVH कहाँ स्थित है? NIVH देहरादून में स्थित है। NIVH का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। प्रश्न 20 है, निम्न में से विशिष्ट शिक्षा विशेष रूप से कौन सा संगठन जुड़ा है? इसका ऑप्शन 2 सही है, RCI। प्रश्न 21 है, निम्न में से लुप्त पद को ज्ञात करें, तो इसमें लुप्त पद 11 है। प्रश्न 22 है, निम्न में से लुप्त पद को ज्ञात करें, तो इस चित्र में ऊपर से नीचे जोड़ने पर अंकों का योग 20 आना चाहिए, 13, 6, 19, 21, 6, 8, 14, 26, उसी प्रकार 4, 6, 10 और 10 में 10 जोड़ने पर 20 होगा, तो ऑप्शन 2 सही है, 10। प्रश्न 23 है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 60 वर्ष है, पहले व्यक्ति की आयु अन्य दोनों की आयु की 1/4 है, पहले व्यक्ति की आयु 36 वर्ष है। प्रश्न 24 है, 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान 34वां होगा। प्रश्न 25 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के होगा। प्रश्न 26 है, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण 75 अंश होगा। प्रश्न 27 है, निर्देश निम्नलिखित में से उस शब्द युग्मों का चयन कीजिए जो दूसरों से भिन्न हो, इसमें पीएन अन्य से भिन्न है। प्रश्न 28 है, निर्देश निम्नलिखित में से उस शब्द युग्मों का चयन कीजिए जो दूसरों से भिन्न हो, इसमें ऑप्शन 2 के MN दूसरों से भिन्न है।
प्रश्न 29 है, छात्र को जितना प्रश्न सही करने पर मिलता है उसका दुगना प्रश्न गलत करने पर मिलता है, यदि सभी में वह 48 प्रश्न करता है तो उसने कितने सही प्रश्न किए। इसका ऑप्शन 2 सही है, 16। प्रश्न 30 है, एक बाग में 10 पंक्तियों और 12 कतारों में आम के पेड़ हैं, दो पेड़ों के बीच की दूरी 2 मीटर है और बाउंड्री के चारों तरफ 1 मीटर की दूरी पर बाग है, बाग की लंबाई होगी 22 मीटर। दोस्तों यहाँ से खंड ब का प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक प्रतिआक्सी कारक है। इसका ऑप्शन 3 सही है, एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रश्न 32 है, फलों में उपस्थित जेली बनाने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है पेक्टिन। प्रश्न 33 है, FPO प्रमाणन निम्नलिखित को दिया जाता है, फल और सब्जियाँ। FPO का फुल फॉर्म होता है फूड प्रोसेस ऑर्डर। प्रश्न 34, एक छोटा आयताकार दंत युक्त धातु का उपकरण जो कपड़े को सिलाई के समय आगे बढ़ाता है कहलाता है फीड डॉग। प्रश्न 35 है, हाथ की सिलाई के समय थिम्बल पहनी जाने वाली अंगुली है सबसे लंबी अंगुली या मध्यमा अंगुली। प्रश्न 36 है, पोशाक में निम्नलिखित के प्रयोग से घेर प्राप्त किया जा सकता है। इसका ऑप्शन 4 सही, उपर्युक्त सभी अर्थात टाट प्लीट और टक्स तीनों के द्वारा। प्रश्न 37 है, माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ निम्नलिखित स्थान की हैं, ग्वालियर की। प्रश्न 38, घर में किचन की सर्वोत्तम स्थिति है पूर्व दिशा। प्रश्न 39 है, किसी वस्तु की सतह संरचना कहलाती है गठन। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से कौन संचार का एक कार्य है, उपर्युक्त सभी अर्थात सूचना अनुदेश और प्रोत्साहन। प्रश्न 41, भारत में आहार एवं पोषण पर नियतकालिक सर्वेक्षण कराने वाली संस्था है NNMB। प्रश्न 42 है, भारत में द्वैत शासन को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था, भारत सरकार का अधिनियम 1919। प्रश्न 43 है, सार्वभौम मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई, 10 दिसंबर 1948 को। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। प्रश्न 45 है, भारत का संविधान कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। प्रश्न 46 है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है, इसका आप संचार सही है, बहुलता। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समझौतावादी विचारक नहीं है, मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न 48 है, भारत में धन विधेयक को कौन सत्यापित करता है, तो भारत में धन विधेयक को लोकसभा का अध्यक्ष सत्यापित करता है। प्रश्न 49 है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है, तो हेगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। प्रश्न 50, किसे स्वतंत्रता के पुजारी के रूप में जाना जाता है, तो JS मिल को स्वतंत्रता के पुजारी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 51 है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की विशेषता नहीं है, शक्ति का विभाजन। प्रश्न 52 है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। प्रश्न 53 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इसका ऑप्शन 3 है, सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष हैं। प्रश्न 54 है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 13 संबंधित है पार्षद सीमा नियम से। प्रश्न 55 है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है, ख्याति। प्रश्न 56, अंगूरी लता संप्रेषण ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन से तात्पर्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता से संप्रेषण। प्रश्न 57 है, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है प्रत्यक्ष श्रम। प्रश्न 58, ऊपरी व्यय में सम्मिलित है उपर्युक्त सभी अर्थात अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय। प्रश्न 59, प्रकृति के निःशुल्क उपहार को छोड़कर वह सब संपत्ति जिसके द्वारा आय कमाई जाती है पूंजी कहलाती है। प्रश्न 60 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किताब क्लार्क ने लिखी है। प्रश्न 61 है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादक डाल्टन है। प्रश्न 62, छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य है माध्यिका। प्रश्न 63 है, यदि किसी बंटन में एक्स बार बड़ा है एम से, एम बड़ा है जेड से तो हो तो वह साधारण सममिति बंटन जिसका बायां भाग अधिक लंबा हो। प्रश्न 64 है, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतोष प्राप्त होता है यदि वह
समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार कार्य करता है। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से कौन से राजा को प्राचीन भारत में विद्वानों व कवियों के प्रति अतिशय उदारता रखने हेतु जाना गया? इसका ऑप्शन 3 सही है, भोज। प्रश्न 66 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश का प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध शासक वंश ने किया? इसका ऑप्शन 2 सही है, चंदेल। प्रश्न 67 है, बड़ा अमीर है एक ज्योतिषविद था। प्रश्न 68 है, 40 गुलामों के गुट से इल्तुतमिश का नाम जुड़ा है। प्रश्न 69 है, मुगल स्थापत्य कला के इतिहास में मुगल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से कौन सबसे अधिक जाना गया? तो शाहजहां सबसे अधिक जाना गया। प्रश्न 70 है, भारत के इतिहास में 1707 का वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है औरंगजेब की मृत्यु के कारण? प्रश्न 71 है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। प्रश्न 72 है, किस देश के इतिहास में पीटर महान का नाम आता है? रूस में। प्रश्न 73 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को किस अधिनियम में खत्म किया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम। प्रश्न 74, भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की प्रथा शुरू की गई 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा? प्रश्न 75 है, कामागाटा मारू का नाम था जहाज का? प्रश्न 76 है, स्वस्फूर्त क्रांति की संज्ञा किसे दी गई? भारत छोड़ो आंदोलन को। प्रश्न 77, उत्पादन के किसी भी साधन की सीमांत उत्पादकता का मूल्य होता है MPP गुणे साधन की प्रति इकाई कीमत। प्रश्न 78 है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है उद्योग द्वारा। प्रश्न 79, अपूर्ण प्रतियोगिता में श्रम का शोषण होता है क्योंकि MRP मजदूरी से अधिक होती है। प्रश्न 80, निम्न श्रेणी की वस्तु के लिए मांग की आय लोच होती है ऋणात्मक। प्रश्न 81, उपभोक्ता के स्थिर संतोष के पथ को कहा जाता है तटस्थ वक्र। प्रश्न 82 है, सट्टा हेतु के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है ब्याज दर पर। प्रश्न 83, एक उत्पादन से साधन की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है क्योंकि यह अंतिम पदार्थों की मांग से प्राप्त होता है। प्रश्न 84 है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच कर वितरण के बारे में सिफारिश करना। प्रश्न 85 है, निर्धनता के कुचक्र की अवधारणा संबंधित है आर नर्क से। प्रश्न 86 है, समीकरण MV धन M-V- बराबर PT किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह फिशर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न 87 है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। प्रश्न 88 है, भारत में हरित क्रांति का शब्द किसने प्रयोग किया? तो भारत में हरित क्रांति का शब्द डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने प्रयोग किया। प्रश्न 89, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? तो बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है। प्रश्न 90 है, वलय ग्रह को चिन्हित कीजिए, तो वलय ग्रह शनि है। प्रश्न 91 है, कौन एक औषधीय शैल है? डोलोमाइट एक औषधीय शैल है। प्रश्न 92 है, कौन स्थलाकृति नदी के अपरदनात्मक कार्यों का परिणाम है? तो गार्ज स्थलाकृति नदी के अपरदनात्मक कार्यों का परिणाम है। प्रश्न 93 है, सिंधु नदी जिस अपवाह तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है उसे पूर्ववर्ती कहते हैं। प्रश्न 94 है, व्यापारिक हवाओं की पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश तक है। प्रश्न 95 है, मेरियाना ट्रेंच गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न 96 है, निम्नलिखित प्रदेश और उनकी विशिष्ट कृषि के युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें चौथा ऑप्शन मलेशिया नागासू सुमेलित नहीं है। प्रश्न 97 है, व्यावसायिक वाणिज्यिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क को चिन्हित कीजिए, तो हेमाटाइट सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। प्रश्न 98 है, पारिस्थितिकी शब्दावली को सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने विकसित किया। प्रश्न 99 है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम इसी सैंपल है। प्रश्न 100 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लक्षी नगरों की कुल संख्या में किस संख्या के वर्ग के अंदर है? इसका ऑप्शन 2 सही है, 51 से 55।
तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अन्य वर्ष के पेपर भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो ऐसी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।